हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और प्लीज़ जहाँ से भी आप लोग ये चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सो गौरव तनेजा, रितु राठी हमेशा से एक परफेक्ट कपल का एग्जाम्पल है ना। कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, लोग इन लोगों को एज अ बिल्कुल परफेक्ट कपल देखते थे, ठीक है। और बहुत प्यारा परिवार, जहाँ पे पूरी फैमिली कहीं जा रहे हैं, होम वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग इन्जॉय कर रहे थे और एक एग्जाम्पल की तरह इनको देखा जाता था, आइडियल कपल। लेकिन आज जो चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि रितु राठी ने अपने लेवल पे आके, क्योंकि उनका कोई चैनल नहीं है, वो नहीं आई, ठीक है, लेकिन कुछ वीडियोस, चाहे वो भजन मार्ग वाली वीडियोस हो, प्रेमानंद जी की जो चैनल पे वीडियोस आती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों ने उनकी आवाज़ पहचान ली, ठीक है, जहाँ पे वो रो रही हैं और बिलखती हुई दिख रही हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वहाँ पे जो वीडियो थी उसमें टाइटल था छल कपट और धोखा पति का। सो इसके बाद जो फ्लाइंग बीस्ट हैं गौरव तनेजा, उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लग गए। लोग भी बड़े परेशान थे कि हमने कभी सोचा नहीं था। एक महीने से जो रितु हैं इनकी वीडियोज़ में नहीं दिख रही हैं, रितु ने आना कम भी कर दिया था इनकी वीडियोज़ में। आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी? देखिए, कई बार एक्चुअली में जो चीज़ें होती हैं कपल में, हमने ऑन कैमरा भी कई बार देखा था। मैं इनको हमेशा से अप्रिशिएट करती थी, लेकिन कई बार एक मस्ती मजाक में रितु का डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिखते थे गौरव सर, राइट। मैं यहाँ पे सर अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर कपल में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि रितु इतने टाइम से वृंदावन में है ना, आश्रम में रह रही है, और बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, क्यों उसको ऐसा करना पड़ा, ऐसा स्टेप लेना पड़ा। और अभी जो फ्लाइंग बीस्ट है, उनके आपने रीसेंट वीडियोस भी देखे थे, ठीक है, उनका वीडियो के नीचे जो उन्होंने दी बेस्ट फैमिली वेकेशन लिखा है, लोगों ने वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी करी है कि हमने वहाँ पे सो एंड सो कॉल्ड मीडियम देखा, आपकी जो वाइफ है वो गायब है, आपकी वीडियोस में नहीं है, पूरी फैमिली है, आपके मम्मी पापा है, आपकी बेटियाँ हैं, और आपकी वाइफ नहीं है, उसके बिना आप लिख रहे हो परफेक्ट फैमिली वेकेशन, हाउ इज़ इट पॉसिबल, राइट। लेकिन मैंने एक कमेंट देखा था जहाँ पे उन्होंने खुद लिखा है कि एग्री, वो खुद भी इस चीज़ को मानते हैं कि पूरी फैमिली में रितु भी आती है, जो रितु इस टाइम नहीं है। चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, डाइवोर्स के भी र्यूमर्स आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, लेकिन हाँ अलग ज़रूर रह रहे हैं। खैर, जो भी चीज़ें हैं, हम लोग सोच रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कोई आंसर आएगा, कोई सोशल मीडिया पे आके कुछ ये बताएंगे एक्चुअली में क्या हुआ है। आंसर तो आया, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम स्टोरी डाली गई, जो कि इंस्टाग्राम स्टोरी अब नहीं दिख रही है, हालांकि कुछ लोगों ने वीडियोस डाले, जहां से मुझको ये पता चला कि एक्चुअली में क्या बोला गया था, राइट। और उस पेज को लाइक भी किया गया है रितु राठी द्वारा। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ उन्होंने क्या जवाब दिया है। जो लोग उनके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो उनको इतना प्यार देते हैं, ठीक है, जो उनको इतने टाइम से देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना यूट्यूब फैमिली भी आपकी ही फैमिली हो जाती है। एक टाइम तक आपको इतना वो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके खुशी में खुशी होते हैं, तो आपके दुख में दुख भी मनाते हैं। और जहाँ तक रितु की बात हुई, उन्होंने हमेशा से इनका सपोर्ट किया, चाहे इनकी जॉब जाने के बाद हो, ठीक है, हर तरह से वो इनके साथ खड़ी रही हैं। इनके कुछ बॉडी में भी अगर इश्यूज़ वगैरह आते हैं, कई बार इनकी प्रॉब्लम रही है बैक में, तब भी ये हमेशा इनके साथ खड़ी रही हैं, हर छोटी से छोटी बात में, हर बड़ी से बड़ी मैटर में। तो लोग इसलिए रितु से भी बहुत कनेक्टेड हैं। इनके कमेंट सेक्शन में आप जाइए, कोई भी एक भी पॉजिटिव कमेंट गौरव के लिए नहीं है, सारे के सारे कमेंट्स रितु के लिए ही हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, एग्जैक्ट चीज़ें क्या हुई हैं, लेकिन हाँ गौरव ने आके ये ज़रूर बोला है सोशल मीडिया पे स्टोरी के माध्यम से कि प्लीज़ कोई अजम्पशंस मत बनाओ। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि मैंने बोला था कि जब इनका कुछ आएगा आंसर सोशल मीडिया पे, हालांकि वो स्टोरी हट चुकी है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा था। तो ये जो पोस्ट है, ये रितु राठी ने भी लाइक करी है। आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड दी मदर ऑफ माई चाइल्ड। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दी है ना, एंड दी मदर ऑफ माई चाइल्ड, यहाँ पे इन्होंने माई वाइफ नहीं लिखा है। तो लोगों को भी ये जो स्पेशली ये वर्ड सुन के काफ़ी दुख हुआ है। अब मदर तो वो बाद में बनी ना, पहले तो आपकी वाइफ ही थी, लेकिन वाइफ जैसा कुछ नहीं लिखा है। आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, रेडी टू लिव विथ ऑल द नेगेटिविटी एंड हेट फॉर माई एंटायर लाइफ। प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनी पब्लिक एक्सप्लेनेशन। तो इनका साफ साफ ये कहना है कि मैं पब्लिक एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है, मैं
कुछ भी नहीं बोलूंगा, और जितनी नेगेटिविटी आप लोगों को देनी है जो कि आप उनके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उन कुछ लोग उनके पेरेंट्स को नेगेटिविटी दे रहे हैं कि इनके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, और इनकी मदर को बहुत नेगेटिविटी मिल रही है, कुछ लोगों का ये कहना था इनको बेटा चाहिए इसलिए इस तरह की चीज़ें की गई हैं, तो बहुत सारे आप वहाँ पे कमेंट्स देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये चीट इंगेजमेंट के बाद से ही कर रहे थे रितु राठी के साथ, बहुत सारे आप वहाँ पे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये साथ साथ कमेंट्स भी डिलीट कर रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप मेकिंग एनी एजम्पशंस, तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई एजम्पशन मत मेक करो। मैन आर मेड विलियंस वेरी फास्ट, वी डोंट क्राई, वी टॉक लेस, एक्सप्रेस लेस, सम ऑफ अस आर हार्ड वायर्ड लाइक दैट। सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, आई हैव नथिंग टू से। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ही ये चीज़ें आ चुकी हैं। अगर वहाँ पे भजन मार्ग पे वीडियोस में रितु राठी की आवाज़, जो जितने भी लोग देखते हैं उन लोगों ने उनकी आवाज़ पहचान ली, ठीक है, जहाँ पे लोग वरीड थे कि अरे रितु राठी है ये, तो ये क्यों रो रही है, ये क्यों इस तरह की बात कर रही है, क्या इनका डाइवोर्स हो गया है, वहाँ पे रितु राठी आपके जो मेन चैनल है उन वीडियोस में भी एक महीने से नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अगर सोशल मीडिया पे लोग ऑफकोर्स ये सब चीज़ें देखेंगे तो बात तो करेंगे ही। सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, आई हैव नथिंग टू से, होपफुली एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड सून। मेरा पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत पाप एकत्रित होंगे, ये भगवान की कृपा ही है कि इस जन्म में वो मेरे सारे प्रारब्ध नाश्ट का कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई डोंट फील लाइक पोस्टिंग एनीथिंग, बट आई हैव सम कमिटमेंट्स टू फुलफिल एंड दिस इज माई वर्क। आई वुड बी पोस्टिंग सम ऑलरेडी शॉर्ट कंटेंट, डोंट एक्सपेक्ट माई पर्सनल इशू, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो ये इनका जो डाइवोर्स की र्यूमर्स आ रही हैं उस वीडियो के बाद इनका फर्स्ट पोस्ट आया है जिन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है, ठीक है। इसके बाद लोगों ने इस पे तरह तरह का सबसे पहले मतलब जो कमेंट्स किए हैं लोगों ने, सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है कि एंड मदर ऑफ माय किड्स, उस पे लोगों ने बात उठाई है, और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बहुत टाइम से गौरव हैज़ कट डाउन रितु साइड ऑफ फैमिली, इवन दो लिविंग इन गुड़गांव, नॉट विजिटिंग प्रतीक राठीज़ हाउस एंड नॉट इवन टॉकिंग अबाउट देम। तो ये चीज़ें हमने भी देखी थी। देखिए प्रेमानंद जी के आश्रम में ये पहले गौरव रितु राठी कुछ टाइम पहले अपनी बेटियों के साथ गए थे, जहाँ पर उन्होंने इस तरह के भी सवाल रखे थे वहाँ पे कि क्या जो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है, तो वहाँ पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इस बार ये इनके आश्रम में रितु ने जो ये इस तरह से चीज़ें पूछी हैं गौरव से, सॉरी मतलब यहाँ पे प्रेमानंद जी से, ठीक है, जो साफ दिखता है कि कुछ तो चीज़ें हुई हैं और बहुत भयंकर हुई हैं। लोग इसलिए वरीड हैं, और लोग जब तक कोई उनको एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलेगा लोग बातें उठाते रहेंगे, क्योंकि लोग एक्चुअली में अटैच हो जाते हैं। एक वीडियो नहीं, इतने टाइम से आपकी वीडियोस देख रहे हैं, फैमिली है ना, अभी तक देखिए सोशल मीडिया पे हमने एक परफेक्ट फैमिली की तरह इन्हें देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब समझ आ रही हैं कि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो होती नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो रियल व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन मैं आज भी विश करती हूँ कि ये फैमिली एक हो जाए, जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, अभी चाहे अलग रह रहे हैं लेकिन आपस में बैठ के, क्योंकि इन्होंने भी जिस तरह से लिखा ना जी, आई होप थिंग्स विल बी सॉर्टेड सून, तो अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड सून। लेकिन यहाँ पे जो रितु राठी के आंसू थे वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वहाँ की कुछ उसने सहा है जिस वजह से उसको एट लास्ट ये सब चीज़ें करनी पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं माई किड्स एंड मदर ऑफ चाइल्ड, इट शुड बी चिल्ड्रन, इज ही टॉकिंग अबाउट अनदर चाइल्ड। सुबह से देख रहा हूँ सारी महिलाएं हाथ धोकर पीछे पड़ गई हैं, दूसरी साइड भी सुन लीजिए, पहले 90% औरतों का यही हाल है कि उन्हें पूरा टेंशन चाहिए, एक लड़का भूल से भी माँ बाप की तरफ ना देखे शादी के बाद। तो मुझे लगता है कि गौरव जी की साइड हमें नहीं पता है, इवन रितु ने भी आगे कभी कुछ कहा नहीं, उनकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ, जिसकी वजह से लोग समझ गए अब एक्चुअली में चीज़ें इनके बीच में क्या हुई हैं। जो उस वीडियो का टाइटल था छल कपट और धोखा, ठीक है, तो वहाँ से ही लोग इस चीज़ को एक्चुअली में लोग समझ रहे हैं कि वाकई गौरव ने धोखा दिया है। और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप चले जाइए, कोई कह रहा है इन्हें बेटा चाहिए, तो कोई कह रहा है इन्होंने
मतलब इनको रितु को चीट किया, कुछ लोग कह रहे हैं एंगेजमेंट के बाद जब ये बॉयफ्रेंड मतलब पहले जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तब भी इसने चीट किया, तो बहुत तरह तरह की बातें, लोग नेगेटिव, बहुत नेगेटिव कमेंट्स इनके आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें इनके सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, और इनको तरह तरह के गलत मतलब फ्लाइंग बीस्ट को बहुत ही गंदे वर्ड्स की तरह बोला जा रहा है। तो इस टाइम बहुत मुश्किल टाइम है दोनों के लिए, ठीक है। मैं तो यहाँ पे यही होप करती हूँ कि जल्दी से जो भी इश्यूज है रिजॉल्व हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रितु राठी की भक्ति भावना जो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो हर इंसान का अपना ही, लोग बहुत सारे अजम्पशंस बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे यही कहना है कि अजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए, इनकी लाइफ है, हम बस प्रे कर सकते हैं कि चीजें इनकी जो भी चीजें हैं, ठीक है, हर कपल में होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीजें आ गई हैं, तो इसलिए लोग अब बहुत तरह तरह की बातें बना रहे हैं, और हर कोई वो रिकॉर्डिंग सुन के डरा हुआ है। लेकिन मैं यही प्रे करती हूँ जो भी चीजें हो, हम जब उनको देखते हैं, पीहू को और रस भरी को, रशी को, तो बहुत प्यार आता है। बहुत सारी मैंने भी इनकी वीडियोस देखी, एक हफ्ते से मैंने जो एक हफ्ते की इन्होंने शूट करी है उसमें कहीं ना कहीं, एक आपने देखा होगा एक एक्सीडेंट, मतलब एक जो रिसेंट इनका फैमिली वेकेशन आया है उससे पहले भी इनका एक वीडियो आया जहाँ पे इनका एक किसी से बाइक एक्सीडेंट होने होने वाला था, किसी से टक्कर हो गई गाड़ी की, तो उसमें भी ये बहुत मतलब एग्रेसिव दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका भी मेंटल पीस ठीक नहीं लग रहा है, छोटी से छोटी बात पे जब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इंसान का मेंटल पीस ठीक नहीं है, ठीक है, वो वीडियो से दिख रहा है। खैर, हम तो यही होप करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं रिजॉल्व हो जाएं, जो भी इनके इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट हो जाएं, और फिर से हमें वही परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट कपल की तरह ये लोग दिखे, ठीक है। हालांकि रितु ने भी अभी सोशल मीडिया पे आके नहीं एक्चुअली में चीज़ें बताई, उनका कोई चैनल नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ वाकई गौरव ने चीट किया है, गलत किया है, तो वो सब चीज़ें भी बाहर आनी चाहिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सपना का भी वीडियो आया जहाँ पे कुछ वीडियोस उसने डिलीट कर दी है, और दी रॉट चैनल जो है वो अंशु को दे दिया, उस पर भी मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी। अगर वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।